वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको दो तीन बातें आज बता दूंगा गाइस। जैसा आप देख रहे हैं, पहले मैंने आपको 25 प्रैक्टिस लगातार दी, उसके बाद मैं अगले 25 का टारगेट, जैसे आप देख चुके हो, दो ऑलरेडी पहले ही जा चुकी है, बाइगोस्की पे प्रैक्टिस जा चुकी है, कोहलबर्ग पे गई है, पियाजे पे गई है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दे रहा हूँ, मतलब आपको पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे 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 सीटेट में टॉपिक रखे गए हैं, आशा करता हूँ ये आपके बहुत काम आएगी। और आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ आज देना चाहूँगा गाइज, कि जो मेरी प्रैक्टिस सेट्स के वीडियोज हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लीज एक बार फिर से दोहराता हूँ सारे लोग, और वैसे आज मैं वॉलपेपर में भी, रजत जी लिखवा दीजिएगा, तो आज मैं वॉलपेपर में भी लिखवा दूंगा नीचे कि प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो काफ़ी बच्चों की ये कंप्लेंट आ रही थी, सर आपके वीडियोज ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं, तब आप आराम से हर एक को जोड़ देंगे हम लोग, हर वीडियो आपको वहाँ मिलेगा, आपको लाइन वाइज प्रैक्टिस सेट एक से आप डायरेक्ट 28-29 तक जाओगे। मैं चाहता हूँ आप देखिए और फायदा उठाइए। तो गाइज बस एक बार फिर से दोहराता हूँ, कई लोगों की डिमांड थी सर वीडियोज बिखरे जा रहे हैं, पीछे चले जाते हैं, हम ढूंढ नहीं पा रहे। तो अभी आपको सीधा कैसे पाना है आपको भी प्रोसेस बता दूं। आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट जैसे हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसका आइकन आता है, आइकन पे प्रेस करना है ना। तो उसके बाद जब आप जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट करके चंद्रा इंस्टीट्यूट पे, जैसे ही आप प्लेलिस्ट खोलोगे वहाँ पे नीचे आपको मिलेगा चंद्रा इंस्टीट्यूट चाइल्ड है, चाइल्ड साइकोलॉजी करके एक ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अराउंड 28 वीडियोज़ पड़े हैं। फिर सुनिए, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के इलाहाबाद के चैनल पर जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। जब प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ पर अपने आप आपको ये सारे वीडियोज़ दिखेंगे। तो प्लीज़, और आप अपना फीडबैक भेजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि आपको अब सारे वीडियोज़ साथ में मिलने जा रहे हैं। तो आज गाइज हमारा चैप्टर है वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की देखेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जोर देता है। तो चलिए आपको बताते हैं, एक बार शुरू करते हैं। ऑप्शन ए खोज पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी अभिक्षमता पर, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम पर। तो प्लीज अपने उत्तर भेजिए, ऑप्शन ए खोज पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी अभिक्षमता पर, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम पर। तो गाइस जैसा कि ठीक है, तो एकदम सही उत्तर है सहयोगात्मक अधिगम पर। अब ध्यान से नोट्स बनाइएगा और अब सुनिए, आज के बाद आशा करता हूँ आपको दोबारा वाइगोत्स्की लाइफ में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कहा वाइगोत्स्की ने, एक बार आपको बता देता हूँ कि वाइगोत्स्की ने दोस्त क्या कहा, कि वाइगोत्स्की ने कहा, हिमालय पर्वत पर नहीं होता अधिगम, समाज से कट के कोई अधिगम नहीं होता। दो लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, और जब आपस में बातें करते हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्योंकि आपको बता दूं थोड़ा सा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है क्या, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। और आप जानते हैं यहाँ सब अलग अलग हो रहा है, सही उत्तर क्या है, सहयोगात्मक अधिगम। फिर से सुनेंगे, सही उत्तर है डी, फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ डी। फिर सुनिए, वाइगोत्स्की ने कहा, लोग उनके सिद्धांत का यहाँ पासवर्ड आपको लिख दे रहा हूँ, सिद्धांत का पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब लोग समाज में एक दूसरे से इंटरैक्ट करके, वार्तालाप करके, कम्युनिकेट करके सीखते हैं। तो इसका उत्तर होगा सहयोगात्मक अधिगम। फिर से सुनेंगे, वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम समाज की देन है, भाषा समाज से पैदा होती है, बच्चा अपने बुजुर्गों, अपने सहपाठियों के साथ कम्युनिकेशन सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा सीखता है। तो फर्स्ट उत्तर है डी। अब मैंने वहाँ रफ के आज के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी जगह खाली है, जब मुझे लगेगा कि आपको व्याख्या देनी चाहिए तो मैं यहाँ वापस आऊँगा। तो दूसरा देखेंगे एम के ओ क्या है, तो एम के ओ क्या है, ऑप्शन ए मोर नॉलेजेबल अदर, ऑप्शन बी मोर कॉइनेटिक, कॉइनेटिक गतिक का सेंस है, मोर कॉइनेटिक ऑर्गेनिज्म, सी मोस्ट नॉलेज ऑपरेशन, नॉलेज ऑफ ऑपरेशन, और अगला है मोर नॉन ऑप्शन KNWAN। तो गाइज अब आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्या कहा लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा, समझते जाइए, उनके सिद्धांत का पहला पार्ट मैं ले चुका हूँ, एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा भला उस शख्स से क्यों सीखेगा जो उससे कम जानता है।
तो वाइगोस्की ने कहा हमेशा, भाई मैं जानता हूँ दो दो चार हो रहा होता है, आप कह रहे हो दो में दो जोड़ने से जीरो आता है, भला मैं आपसे क्यों सीखना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता है। तो इसका फुल फॉर्म है मोर मीन्स ज़्यादा, नॉलेजेबल ज्ञानी, अदर मीन्स होता है दूसरा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। तो अब आएंगे गाइज हम फिर से, सुनिए एक बार मैंने क्या कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से नहीं सीखेगा जिसके बारे में उसे पता है को उससे कम जानता है। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया MKO, फुल फॉर्म मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में इसे बोलेंगे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या बच्चे की ही क्लास का दूसरा बच्चा, कोई जितनी बड़ा ही हो, सहपाठी भी हो, पर उसे मालूम हो कि इसको मुझसे बेहतर गणित आती है। ये कहने का सेंस हुआ। क्वेश्चन थी ZPD का फुल फॉर्म क्या है। तो ZPD का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए संभावित दुर्लभ क्षेत्र, ऑप्शन बी संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी समीपी विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो चलेंगे आज एक बार तो सुनते हैं क्या थी कहानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने कुछ छोटी बच्चों को एक खिलौना खेलने के लिए दिया। तो उसमें एक बच्ची को खिलौना मिला था हाथी का। तो उसने क्या करना था कि खिलौने के सारे अंगों को खोलना था और खोल के वापस जोड़ना था। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। रजत जी इधर फोकस करेंगे। अब देखिए बच्ची ने क्या किया कि खोल लिया खिलौना किसका, हाथी का। अब इसने पैर कुछ ऐसे रखने शुरू किए, देखिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इस क्रम में उसने पैर लगाने शुरू किए और अचानक एक पैर उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जब उन्होंने एक पैर उल्टा कर दिया तो हम क्या देखते हैं गाइज कि अब बच्ची ने पैर जोड़ना शुरू किया। जब पैर जोड़ना शुरू किया तो आप इसको देखिएगा ग्राफ से कुछ ऐसे गई। अब यहाँ तक देख रहे हैं, तीसरे पॉइंट के बाद वो रुक जाएगी, क्योंकि तीसरे पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हो कि पैर उल्टा है। बच्ची पैर जोड़ना जानती है पर पैर को सीधा करना नहीं जानती है, इसलिए तीसरे पैर पर रुक जाएगी। वाइगोत्स्की जाते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा ये पैर उल्टा है, ये पैर बेटा आप सीधा कर लो, ये जुड़ जाएगा। वो पैर को सीधा करती है और हाथी की पूरी आकृति बन जाती है। तो हम क्या देखते हैं गाइज, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब चलिए आपको इसको एक चित्र से समझाता हूँ। यहाँ बच्ची है और इतनी जगह पर तीसरा पैर खाली है, चौथा जोड़ नहीं पाई है। अगर चौथा जोड़ दे तो मैं हाथी के पूर्ण खिलौने को ई एलिफेंट से सिंबलाइज कर रहा हूँ। तो इतनी जगह जो खाली है यही क्या कहलाती है, संभावित विकास का क्षेत्र। अर्थात एक बच्चे के समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दिया गया सहयोग। अब आप समझ रहे हो इतनी जगह खाली है, अगर वयस्क इतनी मदद कर दे हमारी तो हम टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यही जगह क्या कहलाती है, ZPD। मतलब यहाँ बच्चा खुद से नहीं पहुँच सकता क्योंकि वह उलझ गया है। तो अब आप समझ सकते हैं इसके दो नाम हैं। पहला संभावित विकास का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पूरी संभावना है विकास होने की, बस वयस थोड़ा सा सहारा दे दे। और यह इतनी जगह वाइगोत्स्की भरवाते हैं क्योंकि चौथा पैर उसको जोड़ना नहीं आता, क्योंकि चौथा पैर क्या है मेरे दोस्त, उल्टा है। तो बच्चे के समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दिया गया यह सहयोग स्थायी होता है, बच्चा लगातार उसको याद रखता है। यह क्या कहलाता है, ZPD, फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर से सुनिए, जहां बच्चा खुद से पहुंच सकता है और जहां तक वयस्क की मदद ले जा सकती है। इधर देखिए, यहां तक बच्चा खुद से पहुंच सकता था और यहाँ तक वयस्क उसे पहुँचा सकता है, इन दोनों की बीच की एक खाली गैप, एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान ही क्या कहलाता है, ZPD। मुझे पूरा यकीन है दोस्त आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आप इसे समझ पाए हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा, इसी को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, समीपी विकास का क्षेत्र। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, डी, इसके फोल्डिंग। तो चलिए आपको बताते हैं इसके फोल्डिंग क्या है। इसके फोल्डिंग, अब आपको बताना क्या है, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण क्या होता है। पहला अस्थाई सहयोग, बी स्थाई सहयोग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको थोड़ा सा देखिए इसके फोल्डिंग क्या है दोस्त, इसके फोल्डिंग जिसका अर्थ ढांचा निर्माण है एकदम वैसा ही है, यह भी वयस्क का ही सहयोग है। पर एक बार देखिए थोड़ा सा अंतर है ZPD और इसके फोल्डिंग में। अब देखिए गाइस, हमने क्या देखा वहाँ पे
कि बच्चा पहले जेडपीडी में क्या होता था कि बच्ची ने पहले खुद से पैर जोड़ने शुरू किए, जब वो बीच में फंसी तो जाके वाइगोस्की ने उसका उनका मदद किया। पर अगर आप समझ रहे हो तो हाँ, यही शब्द इसका अपने आप में उत्तर है, ढांचा निर्माण। एक प्रकार से आप समझो, मैं आपको इसको एक मकान की नींव के सहारे समझाता हूँ। जैसे आप मकान की नींव बनाते हो, अगर आपकी नींव ही कमज़ोर हो गई तो मकान ऑटोमेटिकली आप कितना भी मजबूत बनाओगे वो कमज़ोर ही माना जाएगा और ढह जाएगा। तो इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, वहाँ हम बीच में मदद देते थे, जब बच्चा फंसता था तब मदद देते थे। इसके फोल्डिंग भी वैस की मदद दिखाता है, जेडपीडी भी, पर दोनों में एक अंतर है। इसके फोल्डिंग में शुरुआत में मदद दी जाती है और जेडपीडी में बीच में मदद दी जाती है। दूसरा एक और अंतर है, जेडपीडी की मदद स्थायी होती है जबकि इसके फोल्डिंग की मदद क्या होती है, अस्थायी होती है। कुछ दिनों बाद हम उसको बंद कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा क लिखना शुरू करता है, तो आप देखो हम वैस शुरू में क्या करते हैं, क ऐसे लिख देते हैं, बच्चे को पेंसिल देते हैं, वो उसी पे चढ़ाता है और कुछ दिनों बाद वो अपने आप का लिखना सीख जाता है। क्या हम पूरी ज़िंदगी क उसको लिखवाते हैं? नहीं, कुछ दिनों बाद वो क खुद से लिखने लगता है। यही मेरे दोस्त क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग। यकीन है आप समझ पा रहे हैं, फिर से सुनिएगा। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, अपन हैंडल पकड़े रहते हैं ताकि वो गिरे न। कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, क्या हम पूरी ज़िंदगी उसकी हैंडल पकड़े रहते हैं? नहीं, वह खुद से चलाने लगता है। इसलिए यह मदद एक तो शुरुआत में दी जाती है, दूसरी अस्थाई होती है। उधर क्या था, जेडपीडी में मदद बीच में दी जाती है और स्थाई होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या है। ए, मैं फुल व्याख्या देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, ताकि आपको दोबारा इसमें कोई दिक्कत ना हो। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? सॉरी, यहाँ पे देखिए पांचवा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? दोस्त यहाँ पासवर्ड खुद ही लिखा है पहले से ही। वाइगोत्स्की ने किताब पर जोर नहीं दिया, वाइगोत्स्की ने शिक्षक पर जोर नहीं दिया, वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा समाज में पैदा होता है और बच्चे अंतःक्रिया करके, लोगों से सूचनाएं बांट करके, अपनी सूचनाएं दे करके अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं दोस्त। इसलिए इसका उत्तर है बी, वयस्क से अंतःक्रिया करके। अब आएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पक्ष पे जोर देता है। अब आप देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पक्ष पर जोर देता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ए एंड बी दोनों, माफ करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। तो एक बार देखेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पक्ष पे जोर देता है, तो पहले ही बता चुका हूँ दोस्त, वाइगोत्स्की ने पुस्तक पर जोर नहीं दिया है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत जोर देता है, इसका उत्तर इनफैक्ट होना चाहिए उपरोक्त सभी। यह आप याद रखिए, क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए बनाया है ताकि आप वाइगोत्स्की को याद रख सके। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे समाज से सीखते हैं और समाज से नहीं अलग है क्या, संस्कृति। और वाइगोत्स्की ने कहा भाषा विचार से पहले आती है, इसलिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो उपरोक्त तीनों पर ही जोर देता है। प्लीज आप नोट्स बना लीजिए, इसके सिवा मुझे नहीं लग रहा आपको नोट्स बनाने के लिए कुछ बचेगा भी इसके बाद। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा ऑप्शन ए विचार से पहले है, बी संस्कृति द्वारा सीखी, सॉरी विचार के बाद है, सी संस्कृति द्वारा सीखी जाती है, डी ए एंड सी दोनों। पहले ही बता चुका हूँ दोस्त, पियाजे के सिद्धांत को नकार दिया वाइगोत्स्की ने, उन्होंने कहा भाषा बच्चा पेट से सीख के नहीं आता, बच्चा पैदा होता है, लोगों से सुनता है, अनुकरण। उन्होंने बताया कि बच्चा शुरू में जब तक बोल नहीं पाता अनुकरण करता है, जब बोलने लगता है तो मतलब पहले लिसनिंग केवल होती है क्योंकि उसके पास तो लैंग्वेज होती नहीं, इसलिए वह चुप्पी मार के सुनता है कि वैस क्या कह रहा है। पर जैसे ही उसके अंदर भाषा का उदय होता है, वह सुनना बोलना दोनों शुरू कर देता है। अर्थात दोस्त उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, गर्मी लग रही है, खिलौना गिर गया है, तीन विचार हैं पर भाषा नहीं है, इसलिए वयस्क समझ नहीं पाता बच्चा क्या कह रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि विचार होते हुए भी भाषा के अभाव में प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। तो आप देख सकते हैं इसका ये सही है और इसका, और आपको पहले ही बता चुका हूँ उनका सिद्धांत किस पे जोर देता है, समाज पर जोर देता है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे इसका ये भी सही है। इसलिए इसका फाइनल उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, ए एंड सी दोनों। फिर से सुनेंगे, इसका फाइनल उत्तर होगा ए एंड सी दोनों, विचार से पहले आती है भाषा और संस्कृति द्वारा सीखी जाती है भाषा। अब आएंगे आठवां,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना क्या है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीटेट, बहुत बार आया हुआ है, तो सुनेंगे एक बार। ऑप्शन ए अहम केंद्रित भाषा, ऑप्शन बी सामाजिकृत भाषा, ऑप्शन सी अपने कार्यों को दिशा देना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलेंगे दोस्त एक बार आपको समझाते हैं। जीन पियाजे ने कहा बच्चा खुद से ही बातें करता है और अकेले में श्रोता होने के बावजूद श्रोता को बच्चे अकेले ही बकबक करते रहते हैं, वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, पूछेगा पापा ये क्या है, इससे पहले का आप बताने वाले हो, पूछ लेगा पापा ये क्या होता है, आई मीन वो आपके आंसर का इंतजार नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा बच्चे की भाषा स्वार्थी होती है और इसे उन्होंने क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा। फिर पियाजे ने कहा जब बच्चा बड़ा होता है तो समझ जाता है कि अकेले बकबक करने से कुछ नहीं होता, मुझे सामने वाले को सुनना चाहिए जैसे वो मुझे सुनता है। अब भाषा दो तरफा माध्यम होती है, बोलने सुनने दोनों के काम आती है, ऐसी भाषा को पियाजे ने क्या कहा, सामाजिकृत भाषा। पर सुनना वाइगोत्स्की ने क्या कहा, बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देता है। तो एक प्रयोग सुनना, एक बच्चा जिसकी पेंसिल रोज बगल वाला बच्चा छीन लेता है, आज मम्मी दो थप्पड़ मारती खींच के, रोज पेंसिल गंवा देता है, नहाए जा रहा है और बके जा रहा है, रोज मेरे को पिटवा देता है, आज मैं उसको अपनी पेंसिल नहीं दूंगा, सुनते जाना। और आज शाम को जब वो लौटता है उसकी पेंसिल कोई नहीं छीन पाता, क्योंकि अब आप सोचो क्या हुआ, जो वो स्कूल में करने वाला था वो सुबह नहाते वक्त बकराया। अर्थात अब आप खुद समझो यार, बच्चे भाई हमको आपको चिंतन करने की जरूरत होती है, हम लोग एक बंद कमरे में चले जाते हैं गहन मंथन करने, पर क्या आज तक किसी बच्चे को आपने कमरा बंद करके सोचते देखा है, काफी मजाकिया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता। पर प्रश्न है क्या बच्चा सोचता ही नहीं, उत्तर है नहीं, बिल्कुल सोचता है। तो बच्चा कैसे सोचता है, चुप्पी मार के नहीं सोचता, इसलिए जो सोचता है उसी को बोले जाता है, अर्थात बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को क्या देता है, दिशा देता है गाइस। तो इसका सही उत्तर है सी। और अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो दोस्त अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बात कर चुके हैं, वाइगोत्स्की सीखने में किसको जोर देते हैं, समाज को, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत समर्थन करता है, तो एक बार सुनेंगे, अंतःक्रिया का, बी अलग अलग सीखने का, सी निजी ज्ञान का, डी पुस्तकीय ज्ञान का। तो गाइज अभी पहले ही बता चुका हूँ, तो आप खुद उत्तर भेज भी सकते हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा वाइगोत्स्की का सबसे फेमस कोटेशन ही क्या है, बच्चे अपने समवयस्कों या वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, पापा के साथ, स्कूल में, दोस्तों के साथ। इसलिए अंतःक्रिया क्या है, अब आप खुद समझो, अंतःक्रिया जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इंटरैक्शन, और अंतःक्रिया करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, इसलिए इसका उत्तर क्या है ये। और अब आएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मूल तत्व क्या है, और आप देख सकते हैं आत्मज्ञान द्वारा सीखना, धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की है वाइगोत्स्की ने, बी खोज द्वारा सीखना, ये पियाजे का सिद्धांत है, सी परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखना, और डी अनुभव द्वारा सीखना। तो अब आप देख सकते हो आत्मज्ञान पे कोई जोर नहीं दिया है वाइगोत्स्की ने, खोज द्वारा सीखना पियाजे का सिद्धांत है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, यह आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो फर्स्ट वीडियोस थी। और अनुभव का कोई महत्व नहीं है वाइगोत्स्की, बार बार कह रहा हूँ, कहता है कि बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सो सी इज द राइट आंसर। 12वां, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं विचार, सुनेंगे। तो गाइस आपको बता चुका हूँ, पियाजे कहता है कि भाषा बाद में आती है, विचार पहले आता है। तो चलिए एक बार वाइगोत्स्की को भी देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं विचार, ऑप्शन ए एक दूसरे पर निर्भर है, ऑप्शन बी विचार भाषा से पहले है, ऑप्शन सी भाषा के बिना विचार प्रकट नहीं कर किया जा सकता, ऑप्शन डी बीच भाषा के विचार के बगैर अधूरी है। तो आपको बता ही चुका हूँ वाइगोत्स्की ने भाषा को वरीयता दी है, इसलिए उनका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कि अगर भाषा न हो, जैसे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि बच्चा, छोटा बच्चा अगर उसको गर्मी लग रही है तो उसको ये तो पता है गर्मी लग रही है, अर्थात विचार उसको मालूम है, पर वो अपने माता पिता को नहीं बता सकता कि फैन चलाओ, क्योंकि उसके पास नहीं है शाब्दिक क्या, भाषा। इसलिए बोला कि भाषा के बिना विचार प्रकट करना क्या है, असंभव है, और आप खुद समझ सकते हैं। 13वां, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ऑप्शन ए समस्या समाधान में बच्चे द्वारा लिया गया वयस्क का सहयोग, ऑप्शन बी पड़ोसी क्षेत्र का विकास,
ऑप्शन सी अपने गांव के नज़दीक विकास, ऑप्शन डी कोई नहीं, आपको पहले ही बता चुका हूं। जब बच्चा समस्या समाधान करने लगता है और बीच में फंस जाता है तो जो वह वयस्क से मदद लेता है, यहां मैंने आपको समझाया था, वही क्या कहलाता है। जेट पी जी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए कैसे यह प्रश्न कई बच्चे आज तक पहचान नहीं पाए। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है। शिक्षिका ने देखा राम प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है, उसने राम की मदद की है, यह क्या है? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी सहारा देना, ऑप्शन सी नियमों का उल्लंघन, ऑप्शन डी छात्र को निकम्मा बनाना। तो गाइस जब ध्यान से सुनो, खाली क्षेत्र, आपने मैंने आपको क्या बताया था कि बच्ची ने तीन पैर जोड़े यहाँ तक आई और चौथा पैर अगर वो जोड़ ले तो एलिफेंट हाथी, मैंने ई को दिखाया है एलिफेंट के लिए, हाथी की आकृति क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। पर वो यहाँ पे आके अटक गई है और मदद किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। और एक खाली क्षेत्र ही क्या कहलाता है? जेडपीडी। तो आप खुद समझो खाली क्षेत्र किसका खाली है? वाइगोत्स्की का नहीं खाली है, शिक्षक का नहीं खाली है, बल्कि बच्चे का खाली है। तो ये बात ध्यान रखना गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वाइगोत्स्की। आज तक 99% बच्चे समझ ही नहीं पाए क्या है, तो आपको एक बार बताता हूँ क्या है, अब आप इसे समझो, ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब दिए गए प्रश्न का कर्ता बच्चा हो तो उत्तर क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र किसका खाली है? शिक्षक का नहीं, क्षेत्र किसका खाली है? बच्चे का। तभी इसका उत्तर क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पर जब कर्ता कोई शिक्षक या वयस्क है या ज्यादा ज्ञानी दूसरा है तो आप समझ रहे हो तो मदद देने गया है, वो कोई अपनी जगह थोड़ी खाली जगह भरने गया है। तो ध्यान से सुनिए गाइज, अलर्टिंग यू वंस मोर, अगर सेंटेंस का कर्ता एक बच्चा है प्रश्न का कर्ता, तो उत्तर क्या होगा? जेडपीडी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पर जब कर्ता एक वयस्क या शिक्षक होते तो वह खाली जगह नहीं भर रहा है, वो बेचारा क्या करने गया है? सहारा देना, या तो मदद कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कई उत्तर होते हैं, सहयोग देना, मदद करना, सहारा देना, क्योंकि जगह खाली किसकी है? बच्चे की। जगह खाली किसकी नहीं है? शिक्षक की। उसको तो पता है, वो तो बस हेल्प करने गया, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार अलग अलग होते हैं। तो दोस्त वाइगोत्स्की ने कहा कि जन्म के पहले 2 वर्षों में बच्चे में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा फिर भी भाषा विचार पे हावी होती है। अभी भी तो बताया मैंने क्या कि बच्चे के पास विचार है, गर्मी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, सब पता है कि मेरे को लफड़ा है, फिर भी वो बता नहीं सकता कि उसके पास क्या नहीं है, शाब्दिक भाषा नहीं, अर्थात विचार होने पर भी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि शाब्दिक भाषा का उदय अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए इसका सही उत्तर है 2 वर्ष तक। प्लीज़ कमेंट करिए गाइज, आशा करता हूँ ये शायद अब तक का बेस्ट वीडियो होगा। प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट गाइज। हाँ, और हाँ दोस्त, एक बार फिर से अनाउंस करता हूँ, मेरे दोस्त सी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट बना दी गई है। आपको चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर हमारे जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है प्लेलिस्ट, और जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको वहाँ लाइन वाइज एक सीरियल क्रम में प्रैक्टिस मिलेगी, इंक्लूडिंग दिस वन। जब ये लाइव होगा भी तो आपको तभी पता चल जाएगा, ठीक है? ये भी लगातार जोड़ दिया जाएगा, आपको हर प्रैक्टिस उसमें मिले करेगी। तो ठीक है, विद दिस आई आर पी मिश्रा क्लोज यू गाइस, थैंक यू।